के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति को किसानों की आड़ में एक नया रंग देने की कोशिश की है। किसानों का दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देते हुए बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए और किसानों के हितैषी बनते हुए देश में एक दिन के उपवास रखने की अपील की। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घर में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांग का समर्थन करें। देश के कई खिलाड़ियों ने किसानों का समर्थन किया है। क्या वे एंटी नेशनल हैं? क्या देश के वकील व्यापारी एंटी नेशनल हैं? अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सरकार बदनाम करती थी, ठीक उसी तरह किसान आंदोलन को बीजेपी बदनाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, क्या ये सभी लोग एंटी नेशनल हैं? अपने इस तरह के बयान से केजरीवाल किसानों की आड़ में राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करने जब केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे और समर्थन से जब कोई फायदा नहीं हुआ तो केजरीवाल सरकार ने एक नया पैंतरा अपना लिया। किसानों का हितैषी बनने के लिए अब केजरीवाल ने जनता से अपील की है कि वो एक दिन का उपवास रखे और दूसरी तरफ ये भी कहा कि किसानों के समर्थन में उतरने पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने घर में कैद कर दिया है। पर ये भी सच सामने आ गया जब दिल्ली पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि केजरीवाल को नजरबंद नहीं किया गया है। पर केजरीवाल ने अपनी नई चाल चलते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और किसानों के हक में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, मेरी केंद्र सरकार के साथ गुजारिश है कि इन तीनों बिलों को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने का बिल बनाया जाए। पर दिल्ली सरकार तो पहले ही उन तीनों किसान कानूनों को लागू कर चुकी है, उन्हीं कानूनों के अनुसार किसानों को सुविधा भी दी जा रही है, पर फिर केजरीवाल उल्टे सुर क्यों बोल रहे हैं? क्यों बीजेपी को निशाना बनाकर अपनी राजनीति से अपनी कुर्सी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव का वक्त नजदीक आते ही केजरीवाल ने पलटी मारते हुए पंजाब की राजनीति को मोहरा बनाते हुए एक दिन का उपवास रखने की बात कही है और अपना पलड़ा भारी करते हुए वोट्स बटोरने की कोशिश भी की है, पर केजरीवाल का ये पैंतरा काम आता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार को अपनी कुर्सी का खतरा दिखाई दिया तो किसानों के खेमे में जा खड़े हुए केजरीवाल, पर जिन कानूनों के खिलाफ केजरीवाल बोल रहे हैं उन कानूनों को पहले ही दिल्ली में लागू किया जा चुका है, पर फिर भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये खेल खेल गए केजरीवाल। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।